ढेलवाडी बस्ती के एक घर में उस वक्त लोगों में हड़कंप मच गया जब परिवार का एक सदस्य सर्पदंश से बाल बाल बच गया। घर की बाड़ी में लकड़ियों का ढेर लगा है जिनकी सफाई यह परिवार कर रहा था। तभी एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ लगाया ही था कि उसके नीचे से नाक फन फैलाकर बैठ गया। उसने डसने की कोशिश भी की जिसे देखते ही ग्रामीण चीखकर भाग गया। वन अमले की मौजूदगी में स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी ने सर्प को पकड़कर जार में डाला और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। जिले में लगातार सांप निकल रहे हैं जिन्हें रेस्क्यू करने का काम वन विभाग के साथ स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी लगातार कर रहे हैं। एक ओर लोग कोरोना से डरे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जमीन में रेंगने वाली मौत से भी लोग आए दिन जूझ रहे हैं। दादर से लगे ढेलवाडी बस्ती में निवासी किशन बघेल का उनका परिवार सर्पदंश का शिकार होते होते बच गए। सफाई के दौरान बाड़ी में रखी लकड़ी के ढेर में से कुछ लकड़ी उठाने वाले ही थे कि उसमें से विशालकाय नाग सांप निकल आया। उसे देख परिवार दहशत में आ गया, जिसके बाद किशन ने तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को सूचना दी। वन विभाग के साथ जितेंद्र सारथी मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लकड़ी का ढेर अधिक होने की वजह से एक घंटे लग गए, जिसके बाद कोबरा सांप को सकुशल रेस्क्यू कर डिब्बे में रखा गया। रेस्क्यू के दौरान जितेंद्र ने लोगों को सांप के बारे में जानकारी दी। सांप को सकुशल पकड़ने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में जाकर छोड़ दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।